अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद फ्रॉम लाहौर रियल स्टेट। इस वक्त हम लोग डीएचए मुल्तान एन ब्लॉक में हैं, एम फॉर मदर। और मेरी बैक साइड पे जो आप स्ट्रीट देख रहे हैं, स्ट्रीट 19 है, 400 की सीरियल है। मेरे साथ सलमान मकसूद हैं जो डीएचए मुल्तान को प्रॉपर्ली सेल परचेज में डील कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्राइसेस एनालिसिस लेंगे और इसके सराउंडिंग में मैं आपको बताता चलूँ कि जो बैकग्राउंड में आप एरिया देख रहे हैं, जो ग्रीन आपको एरिया नज़र आ रहा है ट्रीज़ वगैरह, वो मैंगो इनक्लेव है एल ब्लॉक का। और बिल्कुल ये जो मेरे बैकग्राउंड पे आप वाटर टैंक देख रहे हैं, ये एम ब्लॉक का है। और जो नेक्स्ट वाटर टैंक है वाइट कलर के, वो क्यू ब्लॉक के हैं जो कि एम ब्लॉक के बिल्कुल साथ है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एन ब्लॉक है, एन फॉर नेशन, जिसके अंदर दो कनाल की कटिंग है, जिस पे अभी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एन ब्लॉक का एरिया है। और ये जो आप मिक्सचर प्लांट देख रहे हैं, ये रिजर्व एरिया में है, इससे नेक्स्ट जो है वो फिर आर ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सलमान भाई, इसे हम लोग डिस्कशन करते हैं प्राइसेस की। और यहाँ पे हमने जो डेवलपमेंट देखी है, सीवरेज वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है और ये 90% इसकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। जी वालेकुम सलाम। सलमान भाई, काइंडली एम ब्लॉक में मिनिमम मैक्सिमम प्राइसेस बताइएगा और जो करंट आपने डेवलपमेंट देखी है उसके ऊपर आपने कमेंट दीजिएगा। एम ब्लॉक का जो आज 17 फरवरी है 2020, आज लेटेस्ट डेवलपमेंट का ये स्टेटस है कि तकरीबन जैसे डीएचए ने अपनी भी स्टेटस दिया हुआ है कि 90% यहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट कर लिया हुआ है। उसके आप हमने ऑन आपको ग्राउंड वीडियो भी देखेंगे, अभी हमारा स्ट्रीट व्यू भी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एम ब्लॉक ऑलमोस्ट रेडी है पोजेशन के लिए। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है जो रहता है वो इस साल, जैसे डीएचए कह रहा है कि इस साल वो इस पोजिशन में है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कम्प्लीट करके आपको पोजेशन दे देंगे। और यहाँ पर भी एक कनाल की कैटेगरी होती है और एक कनाल में यहाँ पर इस टाइम जो मार्केट में प्रिवेलिंग रेंट है 50 लाख से 60 लाख तक का है। जो टुवर्ड्स एल ब्लॉक की तरफ है एरिया है, वहाँ पर आपको वही 48 से 50 में आपको प्लाट मिल जाता है एवरेज। और अगर आप जैसे जैसे बुलेवार्ड के तरफ आते रहे 300 फुट रोड के, जो जैसे ये 400 आप देख रहे हैं, 415 से 400 वाले ये कॉर्नर वाला प्लाट, तो इस टाइम 65 लाख रुपए में भी इजीली हो, अगर कोई सेलर आ जाए तो इजीली बिक जाता है। और अंदर वाली पट्टी में आपको 55 की सराउंडिंग में प्लाट मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर लोगों ने जिन्होंने घर बना रहे हैं, स्पेशली जो लोकल रेजिडेंट हैं, वो एम ब्लॉक को टारगेट कर रहे हैं और क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे 2-3 साल में यहाँ पर आबादी हो, क्योंकि सराउंडिंग में इस प्राइस पर आपको डीएचए की डेवलपमेंट के साथ वहाँ पर ये रेट्स में प्लॉट नहीं मिलना। राइट, आपको अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ मिल रही हैं, बुलवर्ड अप्रोच है। आप देखें यहाँ पर, जैसे आप दिखाएं स्विस होटल भी बन रहा है, तो यहाँ पर आपको गैमा गैमी और सेंटर स्क्वायर भी है यहाँ पर एम ब्लॉक जो आता है। तो एम ब्लॉक अगले 2 सालों में ये मेन प्राइम एरिया है। एम ब्लॉक को लोगों को टारगेट करना चाहिए, स्पेशली जो यहाँ पर लोकल घर बनाना चाह रहे हैं वो एम ब्लॉक में। अगर कॉर्नर नहीं भी मिल पा रहा तो फेसिंग पार्क भी नहीं भी मिल पा रहा, यहाँ पर प्लॉट लेना वर्थ करता है। और ये अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर ये आपको जैसे एच ब्लॉक में बताया था, यहाँ पर भी कोई ग्रेवयार्ड नहीं है, यहाँ पर भी प्रॉपर पार्क्स हैं, चीज़ें हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर घर आपको बड़ी तेज़ी से बनेंगे 2 से 3 सालों में। यहाँ पर आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे आपको यहाँ पर आबादी भी नज़र आएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सलमान भाई, आपने अपने व्यूज़ दिए। सलमान भाई, मैं आपसे मज़ीद एक दो बातें अपने डिस्कशन करना चाहूँगा कि एम ब्लॉक क्योंकि एक बिल्कुल सेंटर एरिया के अंदर है। अगर आप बोसन रोड से आते हैं या मितिदल से आते हैं तो एम ब्लॉक जो है वो सेंटर एरिया के अंदर है। कमर्शियल एरिया भी इसको लिंक किया जा रहा है, स्विस होटल भी जो है वो यहाँ पे बनने के लिए जा रहा है। डेवलपमेंट का वर्क अगर हम दूर दूर तक देखें तो यहाँ पे हमें कोई पॉकेट या ऐसा कोई एरिया नज़र नहीं आता जो कि जिसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। वो तमाम व्यूअर्स या वो तमाम कस्टमर्स जो एम ब्लॉक में बनाना तो चाहते हैं लेकिन बजट उनका लिमिटेड है, अगर वो कहते हैं जी हमने 45-48 में लेना है, तो आप उनको इस एम ब्लॉक के बाद क्या सजेस्ट करेंगे वो किस में जाएँ? अगर इमीजिएटली स्टार्ट करना है तो फिर वो आप आर ब्लॉक और क्यू ब्लॉक को देखें। राइट, क्योंकि आप जैसे आप ये दिखा भी रहे हैं ना, वहाँ पर भी एज इट इज़ ही काम हुआ हुआ है। फ़र्क ये है कि वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे आ जाता है, ये पहले आ जाता है। एम ब्लॉक की लोकेशन की वजह से एम ब्लॉक का रेट ज़्यादा है। अगर जिसका बजट 40-45 में है उनको स्टेट वे क्यू ब्लॉक में जाना चाहिए। क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक का अपर पोर्शन भी है, इवन आर ब्लॉक का मैं कहूँगा कि जो लोअर पोर्शन है वहाँ पर आपको 40 लाख में भी प्लॉट अवेलेबल है, पोजेशन वाला हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक या इस साल के एंड में जब जहाँ पर पोजेशन आ जाएगा वो भी इक्वली गुड है। जिन्होंने इमीजिएटली स्टार्ट करना है वो है, लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक है, आबादी के लिए। आप जैसे मैंने वैसे पहले पोर्शन में बताया था एच के एम आई ब्लॉक हैं और इसमें जो सेकंड में है जो प्रेफरेंस लोगों को देने चाहिए वो एम क्यू और आर है। थैंक यू व्यूअर्स, मैं आपको रिपीट कर दूं कि सलमान भाई के भी यही व्यूज़ हैं कि अगर आपका बजट कम है 45 के या इससे बिलो है तो आपको आर ब्लॉक में सजेस्टेड है, क्यू ब्लॉक सजेस्टेड है कि वहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। डीएचए मुल्तान के अंदर एम,
क्यू और आर, ये तीन सेक्टर्स हैं जिसमें डेवलपमेंट का काम जोरों शोर से जारी है, स्पीड से अब काम हो रहा है, 90% काम जो है वो एम ब्लॉक में हो चुका है, मिनिमम मैक्सिमम प्राइसेस जो है वो हमने आपसे डिस्कस की। फॉर मोर डिटेल और सेल परचेज के लिए अगर आप अपने प्लॉट की वैल्यूएशन करवाना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट नंबर इस 0302-448-9001, सलमान भाई का नंबर है 0322-400-9967। थैंक यू।